तो चलिए बच्चों, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और सीबीएसई 2012 में आपका प्रॉब्लम पूछा गया है। तो पहले उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं और पहले आप उसको नोट करिए। देखिए, आपको जो दिया गया न्यूमेरिकल्स, देखिए द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल NaOH सोल्यूशन, मीन्स मोल कितना दिया गया, 0.05 मोल NaOH सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। मीन्स पेपर में क्या क्या दिया गया है, कह रहा है कि मोल N की वैल्यू कितना दिया गया है, 0.05। डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर दिया गया 1 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है एंड लेंथ कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर। एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 × 10³ ohm। मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, 5.55 × 10³ ohm। आगे पूछा गया है कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो तीन चीज पूछा गया पेपर में। रो की वैल्यू पूछा गया है, कप्पा की वैल्यू और मोलर कंडक्टिविटी, तीन चीज पूछा गया है। मीन्स आज पेपर में मोल एम की वैल्यू दिया गया है, डायमीटर दिया गया, लेंथ दिया गया, आर दिया गया है, पूछा क्या गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को डिस्कशन कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था आर इक्वल रो इंटू एल अपान ए। तो रो इक्वल क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपान एल, पहला फार्मूला। कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, के इक्वल हो जाएगा 1/r (L/A। तीसरा फार्मूला आपको निकाला मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/मोलर। अब देखिए आप पेपर में क्या क्या दिया गया है, एन की वैल्यू दिया गया है, एल की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले में निकालना क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू दिया गया है, एल की वैल्यू दी गई है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं दी गई है। तो आपको फार्मूला पता होगा क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का, ए इक्वल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए इक्वल हो जाएगा, पाई की वैल्यू आएगी 3.14 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी 0.765 cm². यहां पर देख रहे हैं कि आपको ए की वैल्यू पता चल गई कितना है, 0.765 cm². चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रो इक्वल क्या होता है, आर इंटू एल अपान ए। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5.55 × A/L होगा। रो इक्वल क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपान एल हो जाएगा। यहां पे ए अपान एल, यहां पे 5.5 × 10² ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.765 और लेंथ कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। आप उसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकेंड क्या पूछा गया, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, के इक्वल हो जाएगा 1/r। r की वैल्यू कितनी दी गई, 5.5
10 to power 3 लिखा गया है, 10 to power 3 और 10 to power 3। यहां पर आज कर दिया 5.5 × 10 to power 3 इंटू लेंथ की वैल्यू कितना दिया गया है 50, ए की वैल्यू कितना दिया गया है 0.765। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकल जाएगा। चलिए लास्ट में बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलर। यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो k की वैल्यू आएगी यहाँ पर रखिएगा इनटू 1000 अपॉन m, और m की वैल्यू कितना दिया गया है 0.05। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे हम 1000 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रखेंगे 0.05। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, अगले क्लास में आगे बात करेंगे।